यूपी के सिंगर स्टार क्यों नहीं बन पाते हैं? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं भोजपुरिया स्टार। तो भोजपुरिया स्टार में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं रिकमेंड करना चाहता हूं कि भोजपुरिया स्टार को आप पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल को आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको बेनिफिट ये मिल सकता है कि हमारे चैनल के माध्यम से कुछ ऐसे अपडेट्स तैयार किए जा रहे हैं जिससे जो हमारे सिंगर भाई हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है हमारे पास कमेंट कि यूपी में स्टार सिंगर क्यों नहीं बन पाते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसमें से मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपी में से कुछ स्टार सिंगर हैं जिनका मैं नाम लेना चाहता हूं। फर्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे यूपी के दिवाकर त्रिवेदी की बात कर लेते हैं। दिवाकर त्रिवेदी ने ऐसे बहुत से गाने दिए हैं जो कि हिट है। यूपी से लेकर बिहार तक ये गाना बहुत तेज़ी से मार्केट में वायरल हुआ है और बहुत तेज़ी के साथ गाना चला है। उसके बाद हम सेकंड स्टार की बात कर लेते हैं। सेकंड स्टार जो हमारी यूपी के आए थे वो आए थे सैंदा सान जी। सैंदा सान जी का अगर बात की जाए तो उनका गाना भी मार्केट में एक बार एक ही गाना उनका मार्केट में वायरल हुआ था, उसके बाद में मार्केट से वो विलुप्त हो चुके हैं। उसके बाद में हम भोजपुरी के सुपरस्टार की बात कर लेते हैं, चिंटू पांडे की बात कर लेते हैं। वो भी बंदा यूपी का है लेकिन यूपी का इतना बड़ा स्टार कैसे बना? उनके जो पिता तो आर राजकुमार जी, उनके जो पिताजी हैं वो खुद भोजपुरी इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्म उन्होंने दे चुके हैं, इसलिए चिंटू पांडे वहाँ पर स्टार बोले जाते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात निकल के आती है कि यूपी के इतने ज़्यादा सिंगर हैं, हर जगह आपको कोई ना कोई सिंगर मिल जाएगा, आपको सिंगिंग करते हुए मिल जाएगा, आपको प्रोग्राम करते हुए मिल जाएगा, लेकिन आने वाले समय में अपने आप को अपडेट नहीं कर पाते हैं और कुछ ही गाना उनका मार्केट में कुछ ही रन करता है, उसके बाद वो मार्केट से फ्लॉप हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि यूपी में स्टार नहीं बन पाते हैं, स्टार बन पाते हैं उसके बाद भी मार्केट से फ्लॉप क्यों हो जाते हैं? ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो हमें कमेंट आता रहता है। समझने के बाद जिस पर वीडियो बनाने के लिए होता है उस पर हम वीडियो बनाते हैं, नहीं तो हम 100% के कमेंट से रिप्लाई ज़रूर दे देते हैं। यूपी के सबसे बड़ी खासियत क्या है आज के डेट में अगर देखा जाए तो यूपी में अगर कोई भी बंदा अगर आइडियो और वीडियो अगर अपना बनवा रहा है, उसका अगर एक आइडियो और एक वीडियो बन गया मार्केट में नहीं चला तो सीधा काम क्या करता है कि वो 6 महीने बाद दूसरा अपना आइडियो और वीडियो रिलीज करता है। अब सोचिए अगर मार्केट में उनका पहला आइडियो और वीडियो अगर रिलीज हुआ है और वो गाना कुछ ही मार्केट में चला है, कुछ बंदे उनको जान पाए, कुछ बंदे उनका फैंस बने और उसके बाद में वो 6 महीने तक गायब हो जाते हैं। गायब होने के बाद में बीच में उनका कोई अपडेट आता ही नहीं है मार्केट से, उनका आइडियो आएगा कि वीडियो आएगा कि वो सिंगिंग करना ही बंद कर दिए, कुछ भी अपडेट नहीं आता। जब 6 महीने बाद फिर से उनका एक गाना रिलीज होता है वो भी गाना उसी कंडीशन का रहता है, फिर भी मार्केट में नहीं चलता है। फिर 1 साल बाद वो अपना दूसरा गाना रिलीज करते हैं फिर भी उनका गाना नहीं चलता है। 2 साल बाद फिर दूसरा गाना रिलीज करते हैं नहीं चलता है। उसके बाद में वो सिंगिंग करियर छोड़ देते हैं। क्यों? सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो कॉन्फिडेंस आती है। मैंने पिछले कई ऐसे वीडियो अपने चैनल पर बना चुके हैं जिसको आप देख कर अपनी गायकी लाइन को सुधार भी सकते हैं और आप में एक हिम्मत हो जाएगा कि हाँ वाकई में हम एक सुपरस्टार सिंगर बन सकते हैं। यूपी की कुछ कहानी ऐसी है जिसका देखा जाए तो सुनने में आपको बहुत इंटरेस्ट भी लगेगा और साथ ही साथ में आपको निराश भी बहुत होगा। इसीलिए यूपी के सिंगर 90% जो यूपी के सिंगर होते हैं वो फ्लॉप हो जाते हैं। अब बिहार की हम बात कर लेते हैं। बिहार में अगर कोई भी बंदा अगर सिंगिंग करने के लिए एक बार निर्णय ले लिया है तो वो महीने में कुछ ना कुछ अपडेट देता रहता है, कुछ ना कुछ वीडियो बनाता रहता है, कुछ ना कुछ आइडियो उसका रिलीज होता रहता है। अब कोई भी बंदा अगर लगातार मार्केट में अगर कोई भी काम अगर कर रहा है तो कोई ना कोई काम उसका वर्क 100% है कि वायरल होगा और आने वाले समय में वो एक स्टार भी बन सकता है। तो बेशक इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज में ऐसे बहुत से स्टार पैदा हो चुके हैं जो कि आपको हम गिना नहीं सकते हैं कि कितना स्टार आ चुके हैं। लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए तो यूपी भी उससे कम नहीं है, लेकिन यहाँ पर लोग अपने कॉन्फिडेंस को खो देते हैं। जब भी कोई गाना रिलीज करते हैं तो उनका नहीं चलता है तो उसके बाद भी सोचते हैं यार नहीं चल रहा है तो ठीक है कोई बात नहीं, अब साला इसको छोड़ ही देते हैं, हम कोई और काम कर लेंगे। इसलिए क्या है कि सबसे बड़ी कॉन्फिडेंस होती है। आज के डेट में जो होते हैं, जो सिंगर होते हैं, वो अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं कर पाते। उनका कोई भी गाना मार्केट में जब रिलीज होता है और कोई उनका गाने का अगर मजाक ले लेता है तो जाहिर सी बात है कि मार्केटिंग में अपना गाना रिलीज करना या सिंगिंग करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। बेशक ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर वाकई में अगर आपने सच्चे दिल से निर्णय किया है कि मुझे एक सिंगर बनना है, मेरा कैरियर ही सिंगिंग के लिए चुना गया है, तो बेशक है कि आने वाले समय में आपका कोई ना कोई गाना मार्केट में हिट होगा, आप भी एक सुपरस्टार बन सकते थे। पहले ज़माने की अगर बात की जाए तो जब सीडी बिकता था
तब लोगों को स्टार बनने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उतना कैसेट वो रिलीज़ नहीं करवा पाते थे और उतना मार्केटिंग नहीं करवा पाते, क्योंकि उनको पता है कि हम नए सिंगर हैं, हमारा गाना कोई खरीदे या ना खरीदा। लेकिन आज तो सोशल मीडिया का समय है, आज के डेट में अगर आप स्टार नहीं बन पाएंगे तो क्या आने वाले समय में आप स्टार कैसे बन सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपटीशन हो जाएगी, बहुत लोग का चैनल खुल चुका है, बहुत लोग की फॉलोइंग बढ़ चुकी है, आप इतना पीछे क्यों चल रहे हैं। इसलिए यूपी में जितने भी स्टार थे, मैंने स्टार के बारे में आपको बता दिए हैं। तो बेशक अगर दिवाकर त्रिवेदी की अगर बात की जाए तो दिवाकर त्रिवेदी भी यही सोच लेते कि हमारा एक गाना नहीं चला, दो गाना नहीं चला, तीसरा गाना क्यों रिलीज करें जब चलता ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है मेरे भाई, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती है। तो यूपी में कुछ ऐसी ही कहानी है जिसके वजह से यहाँ के जो सिंगर होते हैं वो फ्लॉप होते चले जाते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो कि मैं आपको बताया नहीं, यूपी के जो सिंगर होते हैं वो 90% जो सिंगर होते हैं वो भोजपुरी में गाना गाने की कोशिश करते हैं, और जिसके वजह से उनका गाना बिल्कुल लॉस में चला जाता है और उनका लगाया हुआ पैसा समय सारा कुछ खराब हो जाता है। बेशक मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप जिस शैली और भाषा में आप पलके बड़े हुए हैं उस शैली और भाषा को छोड़ के अगर आप किसी और शैली और भाषा पे अगर आप सिंगिंग करने की कोशिश करेंगे तो क्या आपका गाना हिट जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर आप भोजपुरी में गाना चाहते हैं तो आपको भोजपुरी बोलने आपको सीखना होगा, उसके बारे में आपको जानकारी लेना होगा, तब आपका जो होगा जबान उसी के हिसाब से टूटता हुआ चला जाएगा और आने वाले समय में आप एक अच्छा सिंगर बन सकते हैं। अगर आप यूपी में पैदा हुए हैं, आप सोच रहे हैं कि भोजपुरी गाना हम गाएंगे और एक स्टार बन जाएंगे, तो वैसा कि मुमकिन नामुमकिन वाली बात है, क्योंकि काफ़ी जो ऐसे हमारे सिंगर हैं वो सोच रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर अवधि गाना अगर हम गाएंगे तो हमारा गाना हिट नहीं होगा, मार्केट में नहीं चलेगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण है दिवाकर त्रिवेदी। दिवाकर त्रिवेदी के कोई भी गाना आप उठा के एक बार सुन लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा कि गाना अवधि है या भोजपुरी में गाया गया है या मराठी में गाया गया या तेलुगु में गाया गया है, ये सारा चीज़ आपके समझ में आ जाए। क्योंकि दिवाकर त्रिवेदी का जितना भी गाना आता है हर गाना उनका अवधि में रहता है, और अवधि का गाना मार्केट में इतना तेज़ी से चलता है, बिहार तक उनका गाना देखा जाए तो इतना तेज़ी के साथ रिस्पॉन्स दिया है। मैं आपको बता भी सकता हूँ ऐसे बहुत से गाने हैं जो दिवाकर त्रिवेदी ने यूपी छोड़ के बिहार के और अदर कंट्री में बहुत तेज़ी के साथ चला है। तो क्या आप अगर यूपी के रहने वाले हैं, आप भी सिंगिंग करने के लिए सोच रहे हैं, तो क्या आप नहीं कर सकते हैं? सामने वाला बंदा कर रहा है लेकिन आपको करने में प्रॉब्लम है, आप भोजपुरी के चक्कर में फंसे पड़े हैं, इसलिए आपका गाना वायरल नहीं होता है और आप सिंगिंग नहीं कर पाते हैं, आपका गाना ख़राब हो जाता है। ये सारा चीज़ आपको देखना आपके ऊपर होता है, समझना आपके ऊपर होता है। जब तक आप समझ नहीं पाओगे, जब तक इसके बारे में जानकारी आपको नहीं मिल जाएगा, तब तक आप फ्लॉप होते चले जाओगे। आप कितना भी पैसा खर्चा कर लो, कितने भी बड़े एक्टर्स को ले लो, कितने भी बड़े सिंगर को ले लो, अपने फीमेल सिंगर को ले लो अपने गाने में, फिर भी आप हिट नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है। बेशक आप लोग को वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपके मन में भी कोई भी क्वेश्चन चल रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट यूनिक होगा तो उस पर हम वीडियो बनाएंगे, नहीं तो रिप्लाई 100% ज़रूर देंगे। तो बेशक मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए